विद्यार्थियों, हम लोग त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी थ्योरी खत्म कर चुके हैं पहले अभ्यास की। अब पहला अभ्यास 3.1 करेंगे। आइए एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। इसमें चार पार्ट दिए हैं। देखिए, हम आपको दूसरा बता दे रहे हैं और एक चौथा बता देंगे, दो बता देंगे, बाकी दो आप स्वयं करेंगे। तो आइए सबसे पहले दूसरा पार्ट दिया हुआ है। थीटा बराबर, हम इसको मान लेते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको रेडियन में बदलना है। तो आप सबसे पहले पूरे कोण को डिग्री में बदल लें। 30 मिनट, आपको पता है क्योंकि 60 मिनट, आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, या इसको उल्टा भी कह सकते हो, 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक, तो हमें 30 मिनट का मान ज्ञात करना है। तो 30 मिनट बराबर 1/60 × 30, 30 से काट दो, 2 बराबर 1/2 डिग्री। तो हम थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, -47, और 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, ये आ गया। या इसको आप माइनस में इसको गुणा करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 1 = 9, 94 × 1 = 95, -95/2, इतने डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये हमने आपको बताया है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, इतने रेडियन। तो इतने डिग्री बराबर -95/2, इतने डिग्री बराबर पाई बटा 180 × 95/2, इतने रेडियन। अब इसको गुणा भाग करने काटने तो काटेंगे आप, तो ये 5 से कटेगा, 5 6 कम 5 = 4, 9, 5 9 = 45, और 5 15 और 5 6 = 30, 36 × 72। ये आपके पास थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 19। यहां पाई कितना बचा, यहां पे पाई/36 और गुणे, और ये माइनस में है, यहां ये माइनस में है, -19/2 रेडियन, या पाई का भी मान रख दे, पाई का मान 22/7 × 36, ये पूरी चीज माइनस में, × 19 × 2। तो 22 − 22 × 19, तो ये 2 से कट भी जाएगा, 2 ये 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आएगा -11 × 99, 11 × 1 = 11, 11 और 9 = 20, 209/7 = 42, 7 × 21 = 21, 25, -209/252, ये इतने रेडियन। और कटेगा तो है नहीं, इसको हम पॉइंट में भी लिखना चाहे तो भाग दे के निकाल सकते हैं। इसको भाग दे के कितना आएगा, 209 को 252 से भाग दे दीजिए, यहां पर दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 9 बार जाएगा के, 9 × 2 = 18 और 9 × 25 = 45, 146, 9 × 2 = 18, 4 = 22, नहीं 9 बार नहीं जाएगा, 8 8 × 16, 8 × 5 = 40, 1 × 41, 8 × 16 = 20, हाँ 8 बार जाएगा,
असंभव, 8 8 2 16, 8 5 40 और 41, 8 2 16 4 20, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 गया 7, कट जाएगा यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब आप कई बार जाएगा, 3 बार नहीं, 3 बार, 2 बार जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 504, 10 में से 4 गया 6, 3, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 236। ऐसे ही करके माइनस में 0.82 इतने रेडियन ये आंसर आ जाएगा, ऐसे करके लगभग। गुणा भाग आप खुद कर लेंगे। ऐसे ही आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसी का पहले का ही चौथा पार्ट, थीटा बराबर दिया है 520 डिग्री, तो 520 डिग्री, चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, अतः 520 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 520 में इसको गुणा कर देंगे, तो पाई बटा 180 गुणे 520, शून्य से शून्य काट दीजिए, और ये यहां पे पाई का मान भी रख दो, 22/7 गुणे 18 और ये 52, तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और ये 11, 11 2 9 22, 11 5 55, 55 और 2 57, 9 7 63, तो इस तरह से इतने रेडियन आएगा, यानी इसको हम भाग दे दें 572 को 63 से, तो 6 कई बार जाएगा, 6 9 9 8 नहीं जाएगा, 9 3 27, 9 6 54, 8 बार देखिए, 8 3 24, 8 6 48, 48 और 2, 48 2 50, 8 3 24, 8 6 48, तो यहाँ 12 में से 4 गया 8, 6, यानी 9 बार जाएगा, 1 मिनट, ये 9 बार जा सकता है, 9 3 27, 9 6 54 और 2 56, ठीक है, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 6 में से 6 गया, ये कैंसिल आउट, ये बराबर लिख सकते हैं 9 सही 5/63 इतने रेडियन ये आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आपको कोण को किसमें बदलना है, अब संगत कोण को रेडियन में बदलना है, रेडियन माप के संगत को डिग्री में बदलना है, सॉरी आपको डिग्री में, रेडियन में दिया डिग्री में, तो इसके में भी ये दो क्वेश्चन कर दे रहे हैं, एक तो दो पहला कर, दूसरा फर्स्ट पार्ट कर दे रहे हैं, थीटा बराबर 11/16 ये दिया हुआ है, इतने रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या माप बताया था हमने, पैमाना, ये रेडियन, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, इतने डिग्री, तो आप इसका मान यहां रख दीजिए, तो ये थीटा बराबर 11/16 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दें, 11/16 गुणे 180 बटे पाई, या पाई का भी मान रख दें, 11/16 गुणे 180 बटे 22/7,
सात ऊपर चला जाएगा, तो 11 दूना 22 और 2 9 18 90, ये भी कट जाएगा, 2 8 16 और 2 4 8 2 5 10, अब तो नहीं कटेगा। अब 45 × 7/8 बराबर 7 25 35, 7 4 28 और 3 31/8, या आप कह सकते हैं 8 से भाग दीजिए, 8 3 24, 8 3 24 और 24 7 और 8 9 72, 72 और 30, 3 आया तो फिर 30 8 3 4, 8 9 72, 3 39 सही, 3/8 इतनी डिग्री। अब चाहो तो इसको और भी चेंज कर सकते हो, यानी 39 डिग्री और ये 3/8 डिग्री है, तो 3/8 डिग्री को जो है गुणे 60 सेकेंड। अब इसको ये क्या है आपके पास, दिस इज 39 डिग्री और 3/8 डिग्री, तो 3/8 डिग्री बराबर 3/8 × 60 इतने मिनट, तो यहां से 2 से काटो तो 4 को 8, या 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 15 × 3 = 45, 45/2 इतने मिनट, इतने मिनट आ जाएगा, यानी इसको भी भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 इतने मिनट, और इसमें भी ये 22.5 में आधा मिनट, ये 22.5 मिनट का मतलब 22 मिनट और आधा मिनट, तो आधे मिनट को भी चेंज कर लो उसमें, आधा मिनट बराबर 1/2 × 60 सेकेंड। यहां पर क्यों ऐसा किया है, नहीं दे रहे हैं, चूंकि 1 मिनट बराबर 60, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और यहां पर 1 मिनट बराबर है 60 सेकेंड, ये सेकेंड का चिन्ह है, 2 से काटिए 30 आ जाएगा, तो 1/2 मिनट बराबर 30 सेकेंड, तो ये पूरी चीज आपके किसके बराबर आ जाएगी, थीटा बराबर कितना, 39 डिग्री, 3/8 मिनट को हमने क्या किया, इसमें चेंज किया, 22 सही 1/2, तो 22 सही 1/2, तो यहां पर एक चीज ये देखिए, 22 सही 1/2 यहां आपका आया था 3/8 डिग्री, तो 3/8 डिग्री बराबर 22 सही 1/2, 3/8 डिग्री बराबर 22 सही 1/2 इतने मिनट, या इसको कहेंगे 22 मिनट और 1/2 यानी 30 सेकेंड, तो ये आ गया, 1/2 की जगह क्या रखेंगे, 30 सेकेंड। तो आपके पास अब यहां पे इसका मान ये हो जाएगा कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 11/16 रेडियन बराबर किस, इसका मान आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही है वो भी, आइए देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसी में माइनस में है, थीटा बराबर -4 रेडियन, -4 रेडियन, तो आप चूंकि 1 रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180/π इतने डिग्री, तो -4 रेडियन फिर से वही चीज गुणा कर देंगे, 180/π गुणे -4, तो 18 इतने डिग्री आ जाएगा, तो 18 × 72 -720/22/7, 2 से काटिए, 2 1 = 2, 2 1 = 2,
और ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चंग 12 और माइनस 360 गुणे 7 बटे 11, 7 जीरो 7 चंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25 माइनस 25 20 बटे 11, फिर से गुणा करना, 7 जीरो 7 चंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25। अब इसको भाग दे दीजिए, इसको भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस तो है ही है, 11 दूना 22, बचा कितना 3 32, फिर 11 दूना 22, और फिर यहां बचा 10, 100 आ गया, 11 9 99, 11 9 99। तो यहां पे 229 और 1, इतने डिग्री, इतने सही, 1/11 इतने डिग्री आ जाएगा। और 1/11 को अगर आप ये 229 डिग्री और 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री को मिनट में, अगर आप 1/11 डिग्री को मिनट में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। आपका 1/11 डिग्री बराबर 1/11 गुणे 60 मिनट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो ये हो जाएगा 60/11, तो 11 55 5 मिनट और 5/11, इतने मिनट ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 सही 5/11 मिनट 5 सही 5/11 इतने मिनट। अब 5 मिनट और इस 5/11 मिनट को सेकंड में बदलना, प्लस 5/11 गुणे 60 इतने सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो यहां से 5 मिनट प्लस यहां 6 5 30, 300 सेकंड बटे 11, यह आ जाएगा, या ये हो जाएगा 5 मिनट प्लस 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, कितना बच्चा 20 नहीं 8, 11 दूना 22, यहां 80 और 11 77 और 0.30 बचा, फिर 11 दूना 22, लगभग इतने सेकंड। ये बराबर आ गया 5 डिग्री और 27.2 सेकंड, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो आपके पास कितना आ गया, -4 रेडियन बराबर माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकंड, ये आंसर आएगा। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।